हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास टेंथ से जो आपका सर्कल्स चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11th लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज़ अ रोम्बस। आपको प्रूव करना है कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जो कि अपने अंदर एक सर्कल को एनक्लोज्ड कर रहा हो, सर्कमस्क्राइब कर रहा हो, तो वो पैरेललोग्राम रोम्बस होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं फिगर से बात करूं तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपको कोई भी ये एक पैरेललोग्राम दिया है जिसके अंदर एक ऐसे करके सर्कल जो है एनक्लोज्ड हो रहा है। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल का मतलब है कि ये पैरेललोग्राम अपने अंदर यहाँ पे ऐसे करके एक सर्कल को बंद किए हुए है। ठीक है, मान लेते हैं ये ए बी और सी और ये डी है, और इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को मान लेते हैं पी क्यू आर और एस। ठीक है बच्चों, तो ये फिगर बन के बिल्कुल एकदम तैयार है। अब देखिए, आप चाहें तो इस सर्कल का सेंटर ओ मान सकते हैं, वैसे इसकी अभी कोई नीड नहीं होगी। गिवन ले लेते हैं, गिवन में क्या है, हमें दिया हुआ है ए बी सी डी इज अ रोम्बस, सॉरी पैरेललोग्राम। रोम्बस तो हमें प्रूव करना है, रोम्बस तो हमें प्रूव करना है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये एक रोम्बस होगा। ओके, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की कोई भी नीड नहीं है, हम सीधे प्रूफ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टारगेट सेट करने के साथ साथ। आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि रोम्बस के लिए आपको करना क्या है। सीधी सी बात है, हम सब बच्चे जानते हैं कि अगर मैं पैरेललोग्राम की सारी साइड्स को इक्वल प्रूव कर दूं तो ये रोम्बस हो जाएगा। सही है, अभी क्या है कि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी होंगी, पहले से ए बी सी डी के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है, लेकिन मुझे किसी भी एक साइड को ए बी को बस एडजेसेंट साइड बी सी के और इक्वल कर दूं या फिर ए बी को ए डी के इक्वल कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। अब कैसे करना है, क्या करना है, वो देखते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है तो ए बी तो सी डी के इक्वल होगा और यहाँ पे बी सी जो है वो ए डी के इक्वल होगा। रीजन लिख देता हूं, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की तो इक्वल होती हैं। इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं और इसे सेकंड। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम सब ने पढ़ा है थ्योरम नंबर 10.2, ये कहती है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं किसी सर्कल पे तो वो इक्वल होते हैं। तो AP क्या है, टेंजेंट ही तो है जो A एक्सटर्नल पॉइंट से डाली जा रही है। AS क्या है, टेंजेंट ही तो है जो कि एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक डाली जा रही है, तो यानी कि AP AS के इक्वल होगी। तो यहां से थोड़ा सा हमने एक आइडिया लिया। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8th की तरह है बिल्कुल, जो इसी एक्सरसाइज में दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। एक काम करता हूं, मैं पहले एक स्टेटमेंट लिख देता हूं तो मुझे रीजन बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वी नो दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। आप भी ऐसे ही लिख सकते हैं एग्जाम में, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। क्या मतलब है कि कोई भी दो टेंजेंट्स जो डाली जाती हैं सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से वो इक्वल होती हैं। अब आप आराम से यहां लिख सकते हैं, देयरफोर AP जो है वो AS के इक्वल होगी। ठीक है, रीजन ऊपर दे दिया, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। BP जो है वो BQ के इक्वल होगी, BP जो है वो BQ के इक्वल होगी। और देखिए, यहाँ पे RC जो है ना, RC वो CQ के इक्वल होगी, RC CQ के इक्वल होगी, और DR जो है वो DS के इक्वल होगी, DR सॉरी गलती से डी एस लिख गया, डी आर जो है वो डी एस के इक्वल होगी। अब चाहे तो आप एक काम कर सकते हैं, बहुत सारी इक्वेशंस बन रही हैं लेकिन बना लीजिए,
3, 4, 5, 6 क्या करें, लिखना तो पड़ेगा। तो 6 इक्वेशन हो गई अभी तक फिलहाल में, हो जाने दीजिए। इनको इक्वेशन डाल के आप लिखेंगे ऐड इक्वेशन 3, 4, 5, 6, ठीक है। चारों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो एपी प्लस पीबी, मैं इसे यहां कर देता हूं आगे, एपी प्लस क्या है बीपी प्लस बच्चों आरसी प्लस डीआर, आरसी प्लस डीआर इज इक्वल्स टू एएस बीक्यू सीक्यू, एएस बीक्यू सीक्यू, और ये यहां से लिया हुआ है डीएस, ठीक है। LHS LHS में ऐड होता है, RHS RHS में ऐड होता है, आप भी जानते हैं। AP प्लस PB बच्चों ये दोनों मिलके क्या बना लेगा AB, यहां से RC और DR ये दोनों मिलके क्या बना लेगा CD, यहां से ये देखिए AS और ये DS, AS और DS दोनों मिलके AD, और ये BQ और CQ दोनों मिलकर के क्या बना लेगा BC, ठीक है। इसके लिए कोई रीजन रिक्वायर्ड नहीं है। अब देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि ए बी सी डी के इक्वल है, तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे सी डी की जगह ए बी लिख सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ, पहले इक्वल है, और यहाँ पे ए डी और बी सी जैसा कि आप देख पा रहे हैं ए डी बी सी के इक्वल है, तो ए डी की जगह मैं बी सी को रिप्लेस कर सकता हूँ। ए बी और ए बी कितना हो गया ट्वाइस ऑफ ए बी, ये कितना हो गया ट्वाइस ऑफ बी सी, टू से टू कैंसिल हो गया तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी आ गया। इसे मैं डाल दूंगा इक्वेशन नंबर 7। एक बात और यहां पे रिप्लेस किया है, रीजन देना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। भाई हमने यहाँ पे रिप्लेस किया है ना, तो कहां से किया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से रिप्लेस किया। अब बहुत आसान है, ए बी सी डी के इक्वल है, ये ए बी सी डी के इक्वल है, लेकिन ये ए बी बी सी के भी इक्वल है, ए बी बी सी के, तो जब ए बी सी डी के इक्वल है ए बी बी सी के इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी, लेकिन बी सी तो ए डी के इक्वल है, तो यानी कि ये वाली साइड भी इक्वल होगी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 7, इसके लिए बस इतना ही लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 7। और देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको टारगेट भी यही सेट करवाया था कि ऑपोजिट साइड तो इक्वल है, बस आप किसी भी एक एडजेसेंट साइड को और इक्वल ला दीजिए तो यहाँ पे ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बता दिया कि फर्स्ट सेकंड और सेवेंथ इक्वेशन से क्या होगा, सारी साइड्स इक्वल होंगी, ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों इक्वल होंगी। इसके बाद लिखना है बच्चों, आपको जगह नहीं है इसीलिए यहां लिख रहा हूं। और अगर चारों साइड इक्वल हैं, दे आर फोर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको क्लियर भी हो गया होगा कि हमने टारगेट में पहले क्या सेट किया और कैसे हम उस चीज को लेके आए, हमने पहले ही इक्वल कैसे रखा, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी अगली वीडियो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।